सो हेलो क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आई नो कि एक दो दिन से आपकी क्लास नहीं हो रही है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. हम थे थर्ड पे, राइट? थर्ड चैप्टर पे, और टॉपिक था पावर रिसोर्सेज. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो यहाँ पे बेसिकली एक मम्मी और एक बेटे की बात दिखाई है, ठीक है? तो हम इसको पढ़ लेते हैं. सनी है एक बेटा और उसकी मम्मी के बीच की बात है यहाँ पे, ठीक है? सनी की मम्मी सबसे पहले सुबह उठ के क्या करती है कि सनी की मम्मी का दिन स्टार्ट होता है बाय स्विचिंग ऑन द गीज़र. सनी की मम्मी सुबह उठ के सबसे पहले क्या करती है, स्विच ऑन करती है गीज़र को. शी आयरन्स सनीज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वेकिंग हिम अप. और वो गीज़र का बटन ऑन करने के बाद सनी के स्कूल के कपड़ों को आयरन करना स्टार्ट कर देती है, सो दैट के वो सुबह उठ के और स्कूल जाए, ठीक है? उसको उठाने से पहले उसकी मम्मी उसके कपड़े को आयरन करती है. शी देन रशेज टू द किचन टू प्रिपेयर अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर. अब उसकी मम्मी क्या करती है कि वो रशेज मतलब कि जल्दबाजी में उसकी मम्मी किचन में जाती है भाग के. क्यों जाती है? क्योंकि उनको एक ग्लास ऑरेंज का जूस बनाना होता है उसके सनी के लिए, ठीक है, ब्लेंडर में. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट करने वाली हैं. एक तो है, 1 मिनट, फर्स्ट इज गीजर, ब्लेंडर एंड आयरन थी यहाँ पे, कहाँ गई? और ये मैंने क्यों की है हाईलाइट, मैं आपको अभी बताऊंगी. सनी हैव यू फिनिश टेकिंग बाथ. तो उसकी मम्मी उससे पूछती है, सनी क्या तुमने नहा लिया है? कम ऑन हैव योर ब्रेकफास्ट. आओ अपना नाश्ता कर लो. मम्मी कहती हैं उसकी जब वो खाना बना रही होती हैं किचन में. किचन में भी काहे पे, गैस स्टोव पे, ठीक है, सनी के लिए कि क्या तुम नहा लिए हो, खाना बन गया है, आ जाओ खा लो, फिर तुम्हें स्कूल जाना है. अब वाइल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट्स टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस. अब सनी स्कूल जाते जाते भूल जाता है जल्दबाजी में स्विच ऑफ करना लाइट्स को और फैंस को. व्हेन मदर स्विचेस देम ऑफ शी थिंक्स दैट लाइफ इन द सिटीज मे बी मोर कंफर्टेबल बट इट्स डिपेंडेंसी ऑन मोर एंड मोर गैजेट्स ऑल ऑफ विच कंज्यूम एनर्जी हैड लेड टू अ वाइड गैप बिटवीन द डिमांड एंड द सप्लाई. अब उसकी मम्मी ये सारी सिचुएशन को देख के क्या सोचती है कि शहरों में ज़िंदगी मे बी पॉसिबल कि ज़्यादा कंफर्टेबल हो, बट जो हमारी जो मतलब जो लोग शहर में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं गैजेट्स पे. गैजेट्स क्या होते हैं? ये जो सारे मैंने हाईलाइट किए हैं ये गैजेट्स ही हैं. जैसे गीज़र हो गया, आयरन हो गया, ब्लेंडर हो गया, गैस स्टोव हो गया, लाइट्स एंड फैंस हो गए, ठीक है, ये सब गैजेट्स हैं. अब गैजेट क्या होता है? ऐसी मशीन जो कि एक ह्यूमन लाइफ को ईज़ दे उसकी लाइफ में, ठीक है, उसकी ज़िंदगी को आसान बना दे, ऐसी मशीन को हम गैजेट कहते हैं. तभी मैं इन सब चीज़ों को पहले से हाईलाइट कर रही थी, ठीक है. आयरन करना मतलब कपड़े प्रेस करना. उसकी मम्मी ये सोच रही हैं कि भले ही हम ज़्यादा सुखी हैं बट हम ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट्स पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, जो कि कंज्यूम करते हैं एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा वाइड गैप आया है बिटवीन दी डिमांड एंड दी सप्लाई. जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा गैप आया है बिजली की डिमांड में और बिजली की सप्लाई में. बिजली कह लो, एनर्जी कह लो या पावर कह लो, ठीक है. विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द लाइफ स्टाइल्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट. अब जैसे जैसे साइंस और
टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहे हैं, वैसे वैसे लोगों के लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो रहे हैं बहुत जल्दी से। पावर और एनर्जी प्लेज़ अ वाइटल रोल इन आर लाइफ। अब क्या है, पावर कह लो या एनर्जी जो होती है वो एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। वी ऑल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। अब हमें एनर्जी चाहिए होती है डिफेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हमें कैसे चाहिए होती है। देखो, जैसे जब तुम किसी से बात करते हो तो मान लो तुम फ़ोन पे बात कर रहे हो, तो तुम्हें नहीं चाहिए उस टाइम पे यू नो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या पावर वगैरह, बट तुम्हारे फ़ोन को तो तुमने चार्ज किया होगा ना, तभी तो तुम उससे बात कर रहे हो। सो इनडायरेक्टली तुम्हें कम्युनिकेशन में भी चाहिए। ट्रांसपोर्ट में क्यों चाहिए, क्योंकि जो हमारे ई रिक्शा होते हैं उनको पावर चाहिए, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने बोला, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे मोटर वगैरह होती है पानी देने वाली, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी या पावर से चलती है। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में तो होती ही बहुत सारी मशीनरीज हैं जो कि ऑब्वियसली पावर की सप्लाई के बिना नहीं चल सकती हैं, राइट। सो आज मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, सो आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लेना तो आपको नॉर्मली समझ आएगा, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड मतलब स्पीड बढ़ा लेना इसकी, ओके, प्लेबैक स्पीड। अब आते हैं हम कन्वेंशनल सोर्सेस पे, और क्योंकि कुछ दिन से क्लास नहीं हुई है तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, सो आज हम कन्वेंशनल सोर्सेस सारे ही पढ़ लेंगे, ठीक है। सो लेट स्टार्ट नाउ। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज होते हैं एनर्जी के जो कि मतलब इनका एक कॉमन यूज़ रहा है बहुत लंबे टाइम से, जैसे कि फायरवुड है, ओके, और एंड फॉसिल फ्यूल्स है। ये दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, ओके। फायरवुड यानी कि लकड़ी से जलाने वाली आग या लकड़ी से जली हुई होने वाली आग, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी तो ठीक आएगी, बट हो सकता है वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी ना आती हो आपके इलाके में। सो आप क्या कर सकते हैं कि आप बुक खोल के रखा करो अपने सामने एंड देन मुझे सिर्फ सुना करो, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन आपको समझाती हूँ। सो वो आपके लिए अच्छा है कि आप बुक में से उस लाइन पे हाथ रख के आप अच्छे से समझ सकते हैं और उसका मतलब भी वहीं पे लिख सकते हैं। आप सिर्फ मुझे सुनो और ध्यान दो अपनी बुक पे, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक आई होप के सबके पास होगी, ठीक है। तभी मैं एक एक पॉइंट को हाईलाइट करके समझा रही हूँ। नाउ लेट्स मूव। फायरवुड क्या होता है, अब मैंने बताया जो लकड़ी से लगने वाली आग होती है, लगाने वाली आग होती है, ठीक है, उसको हम फायरवुड कहते हैं। इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। अब हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, इधर लोग इससे कुकिंग करते हैं या इससे हीटिंग करते हैं, जैसे चूल्हे वगैरह में लकड़ियाँ लगा के आग जला लेते हैं, वही हिसाब है, ठीक है। तो उससे या तो हीटिंग करेंगे या तो मतलब हीटिंग इन द सेंस ये भी है कि एक तो लोग आग भी तापते हैं ना उससे, राइट। सोया इन आर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम वाइल्ड फायरवुड। तो हमारे देश में 50% से ज़्यादा जो विलेजेस में एनर्जी आती है वो फायरवुड की वजह से ही आती है, ओके। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर ब्यूरिड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स got converted by the heat and pressure into fossil fuels. अब यहाँ पे fossil fuels के बारे में बताया गया है, इसकी डेफिनेशन बताई गई है, और वो ये बताई गई है कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स अर्थ में धस चुके हैं, अर्थ में जड़े जा चुके हैं बहुत साल पहले, बहुत लाखों करोड़ों साल पहले, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो गए हैं हीट और प्रेशर की वजह से फॉसिल फ्यूल्स में, तो वो बहुत ज़्यादा
फर्टाइल उनकी वजह से हो जाता है लैंड। अब ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जैसे कि वो बॉडीज़ या तो कोल का रूप ले लेती हैं या पेट्रोलियम या नेचुरल गैस, ठीक है, और ये सारे ही मेन सोर्सेज हैं ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी के, ठीक है। सो ये कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है एंड नेचुरल गैस क्या होता है, ये हम बहुत अच्छे से अभी आगे समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये कुछ इसके सोर्सेज दिए हैं, इन्हें आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इट्स योर होमवर्क, रीड इट बाय योरसेल्फ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान भाषा में लिखे हुए हैं यहाँ पे, सो आप इन्हें खुद भी पढ़ सकते हैं। ओके, मैं आपको एक मोटी मोटी चीज़ मैं आपको यहाँ से फिर भी बता देती हूँ, आप बुक खोल के रखना क्योंकि आज इसकी क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है। सो ऑयल जो है वो इजी टू ट्रांसपोर्ट है, और जो नेचुरल गैस है वो भी इजी टू ट्रांसपोर्ट है, बट ऑयल थोड़ा सा महंगा है और जो नेचुरल गैस है वो थोड़ी सी सस्ती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑयल। ये सारे क्या हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कन्वेंशनल यानी कि ये लिमिटेड हैं और ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है, दीज विल बी एग्जॉस्टेड सून। फायरवुड जो है इसे इजी एक्सेस होता है, बट इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज ये हैं कि इससे पॉल्यूशन होता है और डीफॉरेस्टेशन होता है, हमें पेड़ वगैरह काटने पड़ते हैं। और जो कोल है उसका भी सेम ही हिसाब है कि आप कोल की वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, बट अगेन ये भी पॉल्यूटिंग है। और सबसे बाद में हम पढ़ेंगे हाइडल पावर, ओके, ये रही हाइडल पावर, यानी कि ऐसी पावर, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि हम हाइडल, यानी कि कहीं ना कहीं रिलेट करो इसे हाइड्रो से, और हाइड्रो मीन्स पानी, ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर, इवन एक्वा मीन्स वाटर। सो ये सिर्फ एक ऐसा सोर्स है जो कि नॉन पॉल्यूटिंग है, ठीक है, और चीप भी है, ठीक है। सो इन सब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, सो इसे पढ़ लेते हैं पहले। ओके, यहाँ क्या लिखा है, द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड, मैंने पहले ही बताया जो रिजर्व्स हैं इन मिनरल्स के, कन्वेंशनल के, वो लिमिटेड हैं, ठीक है। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग देन इज फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन, सो देयर आर लाइकली टू बी, सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून। अब जिस अमाउंट में ये अवेलेबल हैं या फॉर्म होते हैं वो, और अगर आप उसका रेशियो देखें कि जिस हिसाब से हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि इतना फॉर्म नहीं हो रहा है जितना ह्यूमन बींग्स उसको यूज़ कर रहे हैं, जितनी बुरी तरह से। ओके, सो ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि ये जल्दी जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे क्योंकि उतनी उनकी फॉर्मेशन रेट नहीं है जितनी बुरी तरह से उन्हें कंज्यूम किया जा रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव हेयर। कोल, कोल क्या है, ये मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। सो मोस्ट अबंडेंटली फाउंड है ये, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फाउंड हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें मिल जाता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन स्टील स्टीम इंजन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब आप इससे इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, इसे डोमेस्टिक फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि लोग घरों में भी इसको यूज़ करते हैं कोल के, राइट। वो जब हम लकड़ी जला लेते हैं फायरवुड, तो उसके बाद में क्या बचता है, कोल ही बचता है, राइट। और कोयला जो होता है उसमें भी अच्छी खासी आग होती है, राइट। और इंडस्ट्रीज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है, जैसे आयरन की इंडस्ट्री, स्टील की इंडस्ट्री, आयरन को स्टील को पिघलाने के लिए यूज़ होता है होगा, और स्टीम इंजन्स में भी इसको यूज़ होता है, राइट। आपने सुना होगा ट्रेन्स चलती हैं कोयले से, राइट, ये कोयले की ट्रेन है तो उसका स्टीम इंजन जो होता है वो कोयले से चलता है।
और आप इससे इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी जो कि कोल से बनाई गई होती है उसको हम थर्मल पावर कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर। सो द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे वॉज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो व्हेन जायंट फर्न्स एंड स्वैम्प्स गॉट ब्यूरीड अंडर द लेयर्स ऑफ अर्थ। तो जब ये जानवर फर्न्स एंड स्पैम्प्स, तो जब जब यू नो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स और एनिमल्स, क्योंकि फर्न इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट एंड स्वैम्प ऑब्वियसली एनिमल, सो जब ये धरती में धस गए थे बहुत मिलियन साल पहले, तो इस वजह से आज हम कोयला यूज़ कर पा रहे हैं। और आज जो हम कोयला यूज़ कर पा रहे हैं वो मिलियंस ऑफ साल पहले जो कि एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडीज जो कि अर्थ में धस गई थी उसकी वजह से हम उन्हें यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। कोल इज देयर फॉर रिफर टू एज ब्यूरिड सनशाइन। इसलिए हम इसे ब्यूरिड सनशाइन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें धसा हुआ होता है बिल्कुल अर्थ में और वो हमें मिल जाता है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ वर्ल्ड। अब हर जगह पे ना आपको लीडिंग प्रोड्यूसर्स बताए गए हैं, यानी कि ऐसी कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में कोल बनता है। तो पहले यहाँ पे कोल की बात कही गई है, आगे आपको हर चीज़ की बात ऐसे ही होगी। तो वर्ल्ड का बताएंगे पहले आपको, फिर ये आपको बताएंगे कि आपकी कंट्री में यानी कि एरियाज ऑफ इंडिया में ये चीज़ कहाँ कहाँ है, ठीक है। अब वो चाहे कोल हो, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। सो इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि ये चाइना में है, यूएसए में है, जर्मनी में है, रशिया में है, साउथ अफ्रीका में है एंड फ्रांस में है, ओके। और रही बात इंडिया की, सो इंडिया में ये कहाँ है, रानीगंज में है, जरिया में है, धनबाद में है, एंड ये आप पढ़ सकते हैं, ओके। लेट्स मूव फर्दर। पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम क्या होता है हमें ये पढ़ना है, ओके। सो पहली बात, आप पेट्रोल और पेट्रोलियम में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पेट्रोल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो पहले पेट्रोलियम बनता है, फिर पेट्रोलियम की सहायता से हमें पेट्रोल निकलता है, ठीक है। सो पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल मिलता है, ओके। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, डीजल भी मिलता है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और भी क्या क्या मिलता है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। सो द वर्ड पेट्रोलियम इज़ ड्राइवन फ्रॉम लेटिन वर्ड्स। जैसे कि मैंने बताया, इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स, मोस्टली वर्ड्स या तो लेटिन से लिए गए हैं या ग्रीक से लिए गए हैं, ये दोनों लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। जिसमें से कि लेटिन वर्ड पेट्रा मीनिंग रॉक, जिसमें से कि पेट्रा का मीन होता है रॉक, ठीक है, एंड ओलियम का मीनिंग होता है ऑयल, ठीक है। सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल, सो इसका मतलब होता है रॉक ऑयल, ऐसा ऑयल जो कि सॉइल की रॉक वाली लेयर में से मिले, यानी कि पेरेंट रॉक वाली लेयर और वेदर्ड लॉ रॉक जो हमने पढ़ा था उसमें से मिले। अब ये बात अगर आपको नहीं समझ आई है, मतलब आपने सेकेंड चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, 1 मिनट। आपने पढ़ा होगा सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, सेकेंड चैप्टर में था, नहीं था तो उस वीडियो को ढूंढ के पढ़ लो, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आसानी रहेगी तुम लोगों के लिए। उसमें क्या था, सबसे पहले आती थी पेरेंट रॉक, ठीक है, फिर आता था वेदर्ड रॉक, फिर आती थी सब सॉयल, ठीक है, फिर आती थी टॉप सॉयल, ओके। सो अब तुम ये मान लो कि यहाँ पे कहीं ना, यहाँ पे कहीं क्रूड ऑयल की भी एक लेयर होती है। क्रूड ऑयल एक यू नो ब्लैक थिक सा ऑयल होता है,
बहुत ज़्यादा ब्लैक थिक सा ऑयल जिसकी प्रोसेसिंग के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उनमें से पेट्रोल डीजल कुछ होते हैं, ठीक है। वैक्स भी यहीं से मिलती है, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। सो आप मान लो कि क्रूड ऑयल इस लेयर में होता है, ठीक है। आप अभी सिर्फ ये समझ लो। अब मैंने आपको ये क्यों समझाया वो आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम एक्विंग बोथ बिगिन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। अब यहाँ पे बताया गया है थिक ब्लैक लिक्विड पेट्रोलियम, तो थिक ब्लैक लिक, अब तुम पेट्रोलियम कह लो या उसको क्रूड ऑयल कह लो, बात एक ही है, ठीक है। ये थिक ब्लैक लिक्विड होता है, ठीक है। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक एंड इट ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन द ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज। अब क्या किया जाता है कि ये रॉक की लेयर्स में पाया जाता है, मैंने बताया, ठीक है। ये रही दो रॉक की लेयर्स, ठीक है, तो इनके बीच में पाया जाता है ये रहा, ठीक है, यहाँ पे। और इसे एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, ड्रिलिंग की हेल्प से, राइट। सो उसके बाद में इसे निकाल लिया जाता है ड्रिलिंग की हेल्प से। दिस इज देन सेंड टू रिफाइनरीज, देन इसे रिफाइनरीज में सेंड कर दिया जाता है। ये क्या होती है, एक तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे प्रोसेस होती है, ठीक है, कि क्रूड ऑयल से और चीज़ें निकालने की। देखो यहाँ पे भी लिखा है विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जहाँ से कि क्रूड ऑयल से अभी ये प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं। और वो प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है, कैरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल निकलता है, वैक्स निकलती है, प्लास्टिक निकलती है एंड अदर लुब्रिकेंट्स निकलते हैं, ठीक है। सो अब इसमें थोड़ी प्रोसेस समझो, प्लास्टिक पहले निकल जाती है और बहुत ज़्यादा निकलती है तो वो सस्ती है, ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लो पेट्रोल निकला तो वो महंगा है, ठीक है, तो इस हिसाब से ये होता है। सो पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अब इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है पेट्रोलियम को और इसके डेरिवेटिव्स को। इसके डेरिवेटिव्स मतलब कि इसके प्रोडक्ट्स। अब इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये सब इसके प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने येलो से हाईलाइट किए हैं, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स हैं ये सब किसके, पेट्रोलियम के। इसे ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है, पैसों में। अगर आप माइनिंग करके इसे बेचना स्टार्ट कर दो काफ़ी पैसे हो जाएंगे आपके पास। एंड क्योंकि ये थिक ब्लैक लिक्विड होता है इनिशियली, तो इसलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, ठीक है। एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, यहाँ पे भी लिखा है, क्योंकि उनकी वैल्यू अच्छी खासी है इसलिए इन्हें गोल्ड कहा गया है, ठीक है, ब्लैक गोल्ड। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, अब देखो यहाँ पे कंट्रीज बताई हैं वर्ल्ड की, तो है ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, कतार है, और दूसरी जो है वो USA, रशिया एक्सेट्रा, ठीक है, और भी बहुत सारी हैं। और जो इंडिया में है, इंडिया में कहाँ होता है, असम में होता है, बॉम्बे में होता है, मुंबई में होता है एंड डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, ओके। सो अब हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, आप अभी यहाँ पे पढ़ोगे। इस फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, ओके। तो देखो अब यहाँ पे समझने वाली बात है थोड़ी, 1 मिनट, ये भी आपको इसी डायग्राम से समझ आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे था क्रूड ऑयल, राइट। अब इसके ऊपर होती है गैस, इसके ऊपर मैं नेचुरल गैस क्यों कह रही हूँ, इसके ऊपर वाली लेयर होती है एक और उसमें होती है नेचुरल गैस, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे।
अब आप पूछोगे कैसे होती है, क्यों होती है, राइट? तो देखो, आपने आपको पता होगा यहाँ पे थी रॉक वाली लेयर, राइट? तो इसके नीचे आपने पढ़ा होगा कि मेंटल होती है, राइट? और जो मेंटल होती है वो बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा यू नो हीट होती है। सो जब, और जो क्रूड ऑयल होता है वो लिक्विड होता है, राइट? अब जो आपने पढ़ा होगा ना, थिक ब्लैक लिक्विड, अभी पढ़ा था हमने। अब जब आप एक लिक्विड को बहुत ज़्यादा हीट देते रहोगे हमेशा, तो वो क्या करेगा, अब साइंस के बच्चे हो, वो ऊपर उड़ेगा, राइट? वो अपनी स्टेट चेंज करेगा फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि वो एवेपोरेट करेगा, एवेपोरेशन होगी वहाँ पे। मानते हो ना इस बात को, साइंस के बच्चे हो तुम? उसकी वजह से क्या होता है, अभी मेंटल तो नीचे से हीट इसे दिए जा रही है, राइट? और उसकी वजह से क्रूड ऑयल से जो लिक्विड बन रहा है उसे हम कह रहे हैं नेचुरल गैस, ठीक है? सो आई थिंक अब आपको समझ आ गया। और कभी कभी ऐसे होता है, देखो ये हमेशा की बात है कि क्रूड ऑयल के ऊपर नेचुरल गैस होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल गैस के नीचे हमेशा क्रूड ऑयल हो। अब आपको ये कैसी बात हुई, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारा क्रूड ऑयल नेचुरल गैस बन जाता है, ठीक है? सारा क्रूड ऑयल इवेपोरेट हो जाता है। आप ये चीज़ सोच सकते हो, इमेजिन करो, आपने पानी रखा कुकर में एंड आपने उसको बिना ढक्कन लगाए ऐसे छोड़ दिया और नीचे उसके गैस जला दिया, थोड़ी देर तो वो इवेपोरेट होगा, उसके यू नो स्टीम बन के उड़ जाएगा, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि उस कुकर में पानी ही नहीं बचेगा, ठीक है? तो हमने वहाँ पे क्या माना कि सारा का सारा पानी उड़ गया, ठीक है? तो सेम ही बात है यहाँ पे भी। आई थिंक यू गॉट इट, 8th क्लास के बच्चे हो आप। अब इसे लोग कैसे यूज़ करते हैं, इसे लोग डोमेस्टिक कार्यों में यूज़ करते हैं या इंडस्ट्रियल फ्यूल की जैसे भी यूज़ करते हैं, ठीक है? अब आप इसे घर में अगर यूज़ कर लोगे तो वो डोमेस्टिक हो गया, अगर आपने किसी इंडस्ट्री में यूज़ कर लिया बड़े लेवल पे तो वो इंडस्ट्रियल फ्यूल हो गया, राइट? अब यहाँ पे कंट्रीज़ बताई हैं, तो कंट्रीज़ हैं रशिया, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, और इंडिया में हैं जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा, ठीक है? एंड सम एरिया ऑफ शोर इन मुंबई, कुछ एरियाज़ हैं मुंबई में भी है ये, ठीक है? सो वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव सफिशेंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन। तो बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन जो सफिशेंट, जिनके पास खुद के यूज़ के लिए नेचुरल रिजर्व है, ठीक है? द शार्प इंक्रीज इन आर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल है लेड टू देयर डिप्लेशन एट एन अलार्मिंग रेट। तो इसमें भी यही चीज़ बताई गई है कि उतनी सप्लाई नहीं है जितना हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? एक शार्प इंक्रीज आया है कंज्यूम करने में फॉसिल फ्यूल्स को, जिसकी वजह से कि उसकी एक कमी हो रही है, ठीक है? और तो और जब हम इन्हें यूज़ करते हैं तो ये कुछ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स भी रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट में, जो भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि इससे भी पॉल्यूशन हो रहा है। सो अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ लाइक एन अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप विच विल इवेंचुअली रन ड्राई। तो अब अगर हम इसे चेक नहीं करेंगे, अगर हम इसे बिना चेक करे छोड़ देंगे कि हम इसे यूज़ कैसे कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल को, तो ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे आपने एक ड्रिपिंग टैप को ऐसे ही छोड़ दिया हो। ड्रिपिंग टैप मतलब ऐसी टंकी जिसमें से पानी धीरे 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 निकलता रहा है, ठीक है? और आपने उसको बंद नहीं किया, तो ऐसे ही इवेंचुअली सब कुछ ड्राई हो जाएगा, ठीक है? यानी कि हमारे पास कोई भी रिजर्व नहीं बचेगा। दिस हैज़ लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर alternatives टू फॉसिल फ्यूल्स। अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे हमें कुछ इसी वजह से हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जीज हमें यहाँ पे यूज़ करने चाहिए एज एन alternative ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है?
सो यहाँ पे बताया है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज अ पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल एज इट कॉजेज लेस पॉल्यूशन देन पेट्रोलियम एंड डीजल। तो सीएनजी आपने सुना होगा कि कई गाड़ियाँ गैस पे चलती हैं, सो ये वही चीज़ है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये इको फ्रेंडली होती है, मतलब ये पॉल्यूशन कोज नहीं करती है, ठीक है, और ये सस्ती होती है पेट्रोलियम से और डीजल से, ठीक है। अब आज का लास्ट टॉपिक हाइड्रल पावर, ठीक है, और ये बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत छोटा सा है, ठीक है, और बाकी जो ये नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। सो हाइड्रल का मैंने आपको मतलब बताया था कि इसे पानी से रिलेट करो, इसे हाइड्रो से रिलेट करो, ठीक है। हाइड्रो मीन्स वाटर, एक्वा मतलब भी पानी होता है, तो हाइड्रो हाइड्रल पावर यानी कि ऐसी पावर जो कि पानी की सहायता से बनाई जाती है। अब आपने सुना होगा पानी से भी बिजली बनती है, राइट, तो ये वही कंसेप्ट है कि पानी से बिजली बनती कैसे है, ओके। सो पहली बात तो कैसे पानी से, रेन वाटर एंड रिवर वाटर, और ये रिवर वाटर होता है एंड रेन वाटर होता है, एंड ये स्टोर किया गया होता है डैम्स में, ठीक है, इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट। अब ये क्या करते हैं कि इन्हें डैम में स्टोर कर रहते हैं वाटर को, ठीक है, ये ना देखो वाटर रिजर्वायर, और इसे एक बहुत पतले पाइप की सहायता से नीचे गिराया जाता है। अब पाइप पतला क्यों करना है, आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ को कम एरिया देते हैं ना तो वो तेज़ से फ्लो होती है, क्योंकि उसका प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, कम एरिया में प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, सिंपल साइंस। सो द फॉलिंग वाटर फ्लोज थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम्स ओवर टर्बाइन ब्लेड्स प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका कंसेप्ट समझ लो, बाकी तो ये बुकिश लैंग्वेज है। अब यहाँ पे समझो, जब पानी यहाँ से आता है, यहाँ से पानी आया, ठीक है, तो ये जो यहाँ पे चीज़ लगी है ना, सी दिस वन मिनट, यहाँ पे ये जो लगा है इसे हम कहते हैं टर्बाइन। क्या कहते हैं? टर्बाइन। और ये एक ऐसा पंखा होता है जो कि डैम्स में लगा हुआ होता है, पंखा ही होता है ये, ठीक है, और जो कि पानी के जोर से आने की वजह से, पानी के प्रेशर की वजह से ये गोल 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 घूमते हैं इसके ब्लेड्स, ठीक है, यानी कि इसके इसके जो पंख होते हैं पंखे के, वो जोर 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 से घूमते हैं, और जिसकी वजह से जनरेटर प्रोड्यूस कर पाता है इलेक्ट्रिसिटी को। अगर आपने कोई नॉर्मल जनरेटर भी देखा हो तो उसमें भी एक पंखा होता है जो कि बेल्ट लगा के चलता रहता है, राइट, तो उसकी वजह से भी एनर्जी बनती है। सो वही सेम चीज़ है, तो वो पंखा क्यों चलता होता है, क्योंकि हम उसमें फ्यूल डालते हैं, बट यहाँ पे हम फ्यूल नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई करवा रहे हैं पानी की हेल्प से, ताकि वो पंखा घूमे अपने आप बिना फ्यूल के, ठीक है, विदाउट फ्यूल, एंड जनरेटर विल जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इस तरह से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी को, पानी की सहायता से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। सो द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। अब ये जो पानी यहाँ पे है, देखो पंखा तो यहाँ लगा है, अब ये पानी ऐसे फ्लो होके ऐसे आएगा इधर, राइट, तो ये पानी कहाँ यूज़ होगा, ये पानी फार्म्स में यूज़ होगा, ठीक है, फील्ड्स में यूज़ होगा, और फील्ड्स की इरिगेशन करेगा ये, ठीक है, यानी कि खेतों में पानी लगने के काम आएगा ये। सो ऐसे ही 25% जो दुनिया का पूरा पानी दुनिया यूज़ करती है, सॉरी, जो दुनिया 25% जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है 100% में से, तो 25% इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही बनती है, ठीक है, 1/4 जो है इलेक्ट्रिसिटी वो ऐसे ही बनती है दुनिया की, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ये देखो यहाँ लिखा है 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रल पावर। द अभी यहाँ पे बताया है कि दुनिया में कौन कौन इसे अच्छे से बनाता है, सो ये हैं उन देशों के नाम,
ओके, देखो चाइना हर जगह में अपनी टांग अड़ाए हुए हैं, ब्राज़ील है, नॉर्वे, इवन नॉर्वे के बारे में यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है, नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो नॉर्वे वालों ने पहली बार ये करामात दिखाई थी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने की। अब जो इम्पोर्टेंट स्टेशन है इसे कहते हैं पावर स्टेशन, ठीक है, या हाइडल पावर प्लांट, ठीक है। सो पावर स्टेशन जो इंडिया में है वो है भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो ये क्या है, द साइट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर, अच्छा ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। सो दिस वॉज ऑल फॉर द लेसन, थैंक यू सो मच। आई नो आज की वीडियो थोड़ी लेंदी तो थी, बट क्योंकि क्लास नहीं हुई थी सो मैंने जानबूझ के आज की वीडियो ज़्यादा लेंदी बनाई है। सो आई होप यू इन्जॉयड। अगर कोई चीज़ अभी भी समझ नहीं आई है तो कॉमेंट करके पूछ लो, या क्लास के ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हो, ओके, और नहीं तो मुझे पर्सनली पूछ लेना। सो या थैंक यू सो मच।